हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन। और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि पता है, अभी रशिया और यूक्रेन को हाल ही में ही वॉर को लेके मतलब वॉर स्टार्ट होने वाली है, ये सब चीज़ सब कह रहे हैं, जिस कारण अमेरिका ने अपनी एम्बेसी हटा दी यहाँ से, यूक्रेन से। और ब्रिटिश काउंसिल ने भी बोल दी कि जितने भी सिटीज़न ब्रिटिश सिटीज़न यूक्रेन में रह रहे हैं वो चले गए। और हमारी इंडियन एम्बेसी ने भी ये चीज़, कल भी एक पोस्ट आई थी इंडियन एम्बेसी की, जिसमें बताया गया था कि जो भी जितने टच में रहें, अभी तक ऐसा नहीं आया कि इंडिया वापसी आ जाए, बट वो बोल रहे हैं कि टच में रहें, क्योंकि अराउंड 20,000 स्टूडेंट और इंडियन सिटीजन यहाँ पे फिलहाल स्टे में हैं। और बाकी इंडियन एम्बेसी बस हमेशा ये बोलते हैं टच में रहें, जितने फॉर्म्स निकलते हैं सब फिल करें। और मैं सब लोगों को यही बात बोलना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स और जितने भी वर्किंग जो करते हैं यूक्रेन में हम, कि सेफ रहें। और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि वॉर होगी या नहीं होगी। हाँ, रशिया डेली कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहा है, बट अभी हालात देखते हैं हम बाहर सिटीज़ के, तो कहीं से कहीं तो ऐसा लगता नहीं कि वॉर होगी। और यहाँ के कुछ इनके प्रेसिडेंट की भी कल एक वीडियो वायरल हुई थी, तो वो भी बोल रहे हैं कि इफ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अभी तक ऐसा कुछ नहीं पता। सो देन ऐसा डरने की कोई बात है नहीं जितने भी यहाँ पे हैं। और इंडियन न्यूज़ चैनल्स में जैसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ दिखा रहे हैं कि वॉर हो रही है या वॉर बहुत जल्दी होगी, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी है, क्योंकि इनकी वॉर 2014 से चलती आ रही है पहले से ही, तो आज तक वॉर नहीं हुई। पहले क्रीमिया को लेकर थी वॉर, जो ब्लैक सी के कुछ था इनका, ब्लैक सी का, तो उसके ऊपर वॉर चल रही थी। इफ अब चल रहा है नाटो को लेकर, यूक्रेन चाहता है कि नाटो में साइन करें और रशिया मना कर रहा है, तो इस बीच के इनके अपने आपस के मैटर्स हैं जो ये सॉर्ट आउट कर रहे हैं। देन और सबसे बड़ी बात कि आज 14 फेब है, हैप्पी वैलेंटाइन डे ऑल ऑफ यू। और अब तो खैर वेदर भी बहुत चेंज हो गया है यहाँ का, देन समर स्टार्ट होने ही वाली है, सनी डे स्टार्ट हो गए। अभी हम इंडिया नहीं जा सकते क्योंकि 20 तक सारी फ़्लाइटें क्लोज कर दी गई हैं, कोई भी फ़्लाइट नहीं है दिल्ली के लिए या कहीं इंडिया के लिए, बेसिकली फ़्लाइट नहीं है। और देखते हैं जो भी होगा, जैसे भी होगा। मॉर्निंग महाराज। पर्सनल वर्क तुमसे रिक्वेस्ट करवाओगे यार, तुम कर नहीं सकते क्या वाले रिक्वेस्ट? चाय बना दो प्लीज। हाँ प्लीज भी बोला तुमने, चल मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। तुम्हारा वर्क कितना टाइम रहेगा और अभी दूसरी शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी? दूसरी शिफ्ट 1 घंटे में स्टार्ट होगी मेरी। कितना काम करते हो महाराज? मैं ऐसा कुछ नहीं है सर। चलो खैर कोई नहीं, देखते हैं। पहे पहे थोड़े ध्यान दे दो यार। ओहो, यूरो में बात करने वाले बंदे कहाँ ग्रेविनो वालों से बात कर रहे भाई। तो आज वैलेंटाइन डे है, तो हमारा प्लान ये है कि मैं, मोटा और महाराज, हम तीनों बाहर जाएंगे। मोटे को तो वहीं रास्ते में पिक कर लेंगे क्योंकि वो जॉब पे निकल गया, और ये भी जॉब कर रही है अभी, तो हम शाम तक निकलेंगे। और मैं तो वेला हूँ, मुझे तो कोई काम फिलहाल तो नहीं है। जी क्या कह रहे हैं, बुलाएगा? हाँ जी। दो बॉटल ग्लास के लेके आओ और दारू लेके आओ। महाराज में दारू नहीं पीता, कुछ और पी लो। नहीं। बताओ क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे आप? फुलवड़िया आएगा साथ में? फुलवड़िया बोलते हैं क्या, मतलब फुलवड़ी क्या आती है? फुलवड़िया नहीं पता तुझे? कैसा दो, क्या दोस्त बनेगा रे तू? तो बताओगे भी क्या है वो? फुलवड़िया होता है जो 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 फ्राई करने पे फूल जाती है। ओहो, समझ रहे हो? पता नहीं, चलो कोई नहीं, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं उसे। हां चलो, आई डोंट नो, हमारे पंजाबी में फुलवड़ी बोलते हैं। फुलवड़ी बोलते हैं उसे। ठीक है, खिला दोगे तुम बना के? ओके, सारे काम मैं ही करूं? नहीं नहीं, ऐसे कैसे, अभी बर्तन धोना बाकी है, मैं। चल ठीक है। अच्छा, इसे फुलवड़ी बोल रहे हैं? फुलवड़िया कहते हैं ऐसे पागल। पता है इसे हमारे कचरी बोलते हैं। कचरी? कचरी। अच्छा। पता नहीं बट क्या बोलते तुम्हारे यहाँ? अच्छा फुल, चलो फुलवड़ी का तो एक लॉजिक है क्या कि ये तल के फूल जाती है। हाँ। इसलिए इसे फुलवड़िया कहते हैं। चलो
कचरी का क्या लॉजिक है? कचरी का लॉजिक ये है महाराज कि एक खाए से जाना जैसे कचकच की वाली करती है। वाह वाह, पता नहीं हम यूपी वाले हैं। अरे यार भूल गई मैं। हां हां, मैं राजस्थान और यूपी में आ गया कुछ गई। महाराज आपको क्या लगता है वोर होगी कल का? जैसे कल का दिन निकला है वोर का, तो पता डेट टाइम पूरा बता रखा है इंडिया वालों की, इंडिया न्यूज़ ने। इंडिया तो ज्यादा दिखाता है। हां तो क्या लगता है वोर होगी? हां वोर तो होगी। हैं, कोई वोर नहीं होगी। अच्छा, तो आपके अनुसार आपने सीधी पुतिन से बात है ना? आपने सीधी मेरी बात। हां पुतिन से क्या बोला आपने पुतिन को? ट्रंप से है, ओबामा से है। अरे कौन से ओबामा से? आपकी ओबामा तो समझ। चलो ठीक है, तो आपने क्या बोला पुतिन को? जरा दो लैंग्वेज एक बार सुना दो, रशियन तो सुनाओ। हाँ टकलू। सुन मेरी बात। हाँ सुना। नमस्ते अंकल। तो काम की बात से आप ये पूछेंगे क्या पूछा कि आप कितने पैसे कमाते हैं? तो आपने ये बात रशियन में कैसे बोली? तो समझा बताओ। मैं वो उसकी वो सरदर्द उसको समझ लगे ना लगे, मैंने बोल दी बस। आपने बोल दी, चूतिया बना रहे तुम लोग। अच्छा आज क्या दिन है बताओ महाराज, आज दिन क्या है? आज है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे है, आपका प्लान है बाहर जाने का? हाँ। मोटा भी आया तो मैं फिर में जा रहा हूँ तुम्हारे साथ, है ना? कॉम्प्लीमेंट्री जा रहा। कॉम्प्लीमेंट्री तुम्हारे चार्ज बर्तन धोने पड़े तो काम आएगा। कहाँ के बर्तन धोने पड़े? वहाँ मतलब तुम ऐसे ले जा रहे हो मुझे? कॉम्प्लीमेंट्री बहुत तुम एक नंबर कुत्ते आदमी नहीं होते बहुत तुम। तो बताओ फिर आज का क्या क्या सोचा आपने? क्या दोगे आप मोटे को? मोटे को देखती हूँ। चलो ठीक है, जैसा आपको मेरे YouTube चैनल की 80% जिसके शेयर है ना वो इसके हैं। मेरा चैनल इनकी वजह से चलता है ऐसा लोग बोलते हैं, या लोकल पता नहीं ये बोलती है ऐसा। इसे कॉन्फिडेंस इस बात का कि मेरा चैनल चलता है इसकी वजह से चलता है। अच्छा आपका चैनल किसकी वजह से चलता है? वो चलता ही नहीं। हम डालते नहीं वीडियो, हम कहते हैं एक जगह आ रही है तो दूसरे शाबाश। चाय तो गर्म करो। हम नहीं चाहते तुम्हारे चैनल डीमोनेटाइज हो रहे हैं कॉपीराइट की वजह से। ऐसे कहते हो? वाह नहीं नहीं, चाय वाले चले जाएगा तो सारा मेरा फोन उठा लेते यार। अरे केएफसी गए तुम? वो कूपन खोला ना है, पुराना है वो पेप्सी निकले तुम्हारी। तो इंडिया में था ना? हां ये तब का है, जब तू इंडिया से आया था। चलो आगे हो जाओ। तुम हिंदी सिखाओ हमें। चलो बोलो बताओ। हिंदी 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 हिंदी। वाह इतनी हिंदी तो आती मुझे। आती है? बस तुम सीख गया। अब तुम तीन तीन बार इंग्लिश बोलो। इंग्लिश 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 तो मैं भी आ गई। सारी आ गए मुझे आ गया। चलो चलो 6:30 बजे निकल रहे, बोलते रहे यार। 6:30 से बोल लेटोगे, मोटा आ गया वहाँ पहुँच जाएगा। तो जल्दी आ गई भी आ कर लो। वैलेंटाइन डे मनाएंगे ना? हाँ, हाँ जरूर। सिंगल हो गए वैलेंटाइन डे तो कोई नहीं, हम औरों के मनाते हुए देख लेंगे। बताओ यहाँ के और देखो मुझे पीना है हुक्का बैठ के बस, और कुछ नहीं। मैं मेरा हुक्का, हमारा वैलेंटाइन डे खुल हो जाएगा। तुम बस तुम्हारा कैसे हो रहा है? सर्दी कैसे हो रही? बहुत जोरदार। अभी हम कर रहे हैं टैक्सी का वेट। कितनी बार टैक्सी, कितने बार थी टैक्सी आ रही है? एक मिनट में। क्या लिया छाप ना तो दिखाओ ना, अभी नहीं दिखा तो सरप्राइज तो दिखा दो एट द एंड ऑफ द वीडियो। ओके टैक्सी आई चलो चलो सबसे लास्ट में आना। लास्ट 17 बार।
कहीं भी बैठ ले बस चलते रह। अदिति क्या मंगाया तूने? सुशी। तुम्हें सिंगल होके वैलेंटाइन डे मनाने का कैसा लग रहा है? ओह हुक्का आ गया मोजना। ऑर्डर दे दो आप। महाराज क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ ये कि यहाँ सारे कपल ही आए हैं आज। मैं ये छड़ा बिक रहा हूँ। छड़ा नाम क्या है इसका? पैरानोमा बार पीबी पंजाब। आज हम हैं पैरानोमा बार में, जो कि कहाँ पे कौन सी लोकेशन है? ब्लू लाइन है, अब ये नहीं मेट्रो का नाम नहीं पता मुझे। ब्लू लाइन है मेट्रो। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ का माहौल देख के लग रहा है कि अच्छा होगा। फिलहाल हमने हुक्का ऑर्डर किया है, आके देखते हैं। हम दोनों तो आ गए, हमारा मोटा आ रहा है रास्ते में, आता ही होगा। यहाँ काफी अंधेरा सा है। तुम बार पे बैठो, वो भी वैलेंटाइन डे पे। तो बार है तो क्या होगा, इनको लाइट तो होनी चाहिए ना इनके पास। वैलेंटाइन डे क्या होता है हमारा? वैलेंटाइन डे प्यार दिवस होता है जहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे लाठियाँ बजती है। अच्छा, हमारे यहाँ लाठियाँ बजती है। अच्छा, तो वो तुम तो बहुत ढेरा चले गए। हमारे यहाँ पे प्यार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, तो देख रहा व्यू देख। अब सिंगल लोग क्या जाने। हाँ बोलो, वैलेंटाइन डे पे बार में कैसा होता है? वही देख रही हूँ, बोल रही तू कैमरा में देख रही हूँ। गाने उस्ताद जी गाने चलेंगे। कैरोकी है, सिद्धू मूसेवाले के चलाएंगे यार। तुम उस्ताद के चलाओ, हम उस्ताद जी के गाने चलाएंगे। अभी हमने ऑर्डर किया है हुक्के का, और एक तो इनको इंग्लिश नहीं आती, मतलब बहुत कम इंग्लिश आती है, पर हमें यूक्रेन सही से नहीं आती। हाँ ऐसे हम क्यों करें ऐसी, तो कैसी बात है यार, इंग्लिश तो आनी चाहिए ना कम से कम। बट फिर भी हमने समझा दिया गणित लगा के अपने जैसे तैसे। और पहली बार मैं यहाँ आया, महाराज जी ले गए हमें, क्योंकि हम यहाँ इसलिए हम इसलिए यहाँ पे आए क्योंकि हम दोनों तो यहाँ पहुँच गए। मोटा भी आने वाला है हमारा, मोटे का ऑफिस पास में ही है सर। और देखो कैसा आता है हुक्का। अभी हम फिलहाल बैठे हैं 17 फ्लोर है ना, 17 फ्लोर लास्ट फ्लोर है ये बिल्डिंग का, और बिल्डिंग तो अच्छी है। गर्मियों में ना ये बाहर वाला एरिया जो है ना, क्या होता है गर्मियों में ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे भी टेबल्स लगे होते हैं, टेंट हाउस टाइप करते हैं, तो हम ओपन में बैठ के भी पी सकते हैं उसका। ओके, तो एक छोटी सी प्यारी विश सब कपल्स के लिए, जुग जुग जियो। जुग जुग जियो, फूलो पतो, क्या था फूलो फलो। हाँ वही हिंदी थोड़ी कमजोर, इनको हिंदी कमजोर है थोड़ी सी, क्योंकि ये हिंदी में फूलो फलो धूतो खाओ। अरे महाराज तुम तो गलत बोल रहे कुछ। क्या है, व्हाट इज इट? मुझे भी नहीं पता, इतनी मुझे भी नहीं आती। अच्छा, तुम कहाँ से हो? हम है कहीं से। कहाँ से हो तुम? यूपी से हम। हाँ, तुम्हें हिंदी नहीं आती? यूपी से हो? है, आती है हिंदी हमें। हम पंजाब से होगी, इतनी अच्छी हिंदी बोल लेती हूँ मैं। महाराज देखो तुम रहने दो, ठीक है। कम से कम मेन्यू तो देखे जाते हैं। मैंने देखा मेन्यू, हमने ना लास्ट टाइम एक प्लेटर मंगवाया था। मोटा क्या लाया? मोटे भाई के लिए लाया कुछ भी है? गार्लिक ब्रेड लाया भाई के लिए। गार्लिक ब्रेड लाया? क्या लाया? गार्लिक ब्रेड। थैंक यू। तू भी तो लेके आई। कैसा है
ओ मोटे कैसा रहा? क्या वो इधर देख, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। महाराज कैसा रहा? मस्त मस्त, मजा आया। चलो फिर जल्दी निकल आए। जल्दी निकल आए, चल कोई नहीं।